यूं तो किसी भी तरह की चोरी को करने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जहां आमतौर पर हमें लगता होगा कि एक चोर का काम काफी आसान काम है, क्योंकि वो दूसरों की ईमानदारी और मेहनत से कमाए हुए पैसे को लूट लेता है और उसके बाद ऐशो आराम से जीता है। जहां एक तरफ की बात काफी हद तक सही है, लेकिन चोरी करने के लिए भी दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए काफी ज्यादा प्लानिंग लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चोरों की इज्जत करने लग जाए, पर इसका ये मतलब है कि चोरी के पीछे जिस आदमी का दिमाग लगता है और जो पूरी प्लानिंग करता है, अगर वो उसी प्लानिंग को किसी सही तरीके से करे और एक सही जगह लगाए, तो हो सकता है कि उसे जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। चोरी के बहुत सारे किस्से काफी ज्यादा मशहूर होते हैं और ऐसे कई किस्सों पर फिल्में भी बनती हैं। लेकिन अगर बात करें एक ऐसे किस्से की जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती में से एक मानी जाती है, तो वो है इराक की। जी हाँ, दरअसल ऐसी बहुत सारी बैंक डकैती के बारे में आपने सुना होगा जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए का लूट हुआ हो। लेकिन एक ऐसी बैंक डकैती भी हुई थी जो कि बैंक डकैती के इतिहास में सबसे ज्यादा दिलचस्प और सबसे ज्यादा अनोखी है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश के प्रेसिडेंट का बेटा शामिल था। ये बहुत ज्यादा ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन बिल्कुल सच है। दरअसल इस बैंक डकैती में $1 बिलियन, यानी अगर हम आज के हिसाब से इस लूटी हुई रकम का हिसाब लगाए तो करीब 756 करोड़ की लूट हुई थी। जहां इतनी बड़ी रकम कोई आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता, जरा सोचिए कि एक आदमी ने ऐसी प्लानिंग की और ऐसा मिशन ठाना कि वो $1 बिलियन की चोरी करे। ये कहानी और ये घटना दरअसल इराक की है और ये बैंक लूट दुनिया की 10 सबसे बड़ी वारदात में हमेशा पहले नंबर पर आती है, क्योंकि इसमें इराकी सेंट्रल बैंक का नाम आता है। ये पूरी घटना है साल 2003 की और इसमें ये बहुत बड़ी रकम को दरअसल सेंट्रल बैंक से लूटा गया था। हालांकि अब इस घटना को बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं और बहुत लोग ये कहानी भूल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी डकैतियों की, तो उसमें ये सबसे ज्यादा मशहूर कहानी है। दरअसल 2003 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हुआ करते थे और ये बात तो सब जानते ही हैं कि सद्दाम हुसैन की अमेरिका से बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। सद्दाम हुसैन बहुत ही खुले तौर पर ये मानते थे कि उन्हें अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं और वो अमेरिका से इराक की दुश्मनी दुनिया भर में जग जाहिर करना चाहते हैं। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी भी कर ली थी और सबको पता था कि कुछ समय में इराक जैसे देश में अमेरिका जैसे सुपर पावर के जरिए एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। सभी के मन में डर था और सभी ये जानकर घबरा भी रहे थे कि अगर वाकई में अमेरिका जैसी सुपर पावर ने इराक जैसे देश पर हमला कर दिया तो उसका क्या अंजाम होगा। कई इराकियों ने तो इसे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी मान लिया था। लेकिन उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे ने कुछ ऐसा किया जो कि इतिहास बदलने वाला था। दरअसल सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै इराकी सेंट्रल बैंक पहुंच गए और उन्होंने बैंक के सबसे टॉप पोजीशन पर बैठे आदमी को, यानी कि बैंक के हेड को, एक पर्ची थमाई। जब उन्होंने पर्ची थमाई तो किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि वाकई में क्या हो रहा है। आधे लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आदमी दरअसल सद्दाम हुसैन यानी कि उस देश के प्रेसिडेंट का बेटा है। जैसे ही उस हेड ने उस पर्ची को खोला तो वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैंक के सभी पैसों को प्रेसिडेंट ने किसी दूसरी सेफ जगह पर ले जाने का ऑर्डर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बैंक के हेड को कोई ऐसा ऑर्डर कोई पर्ची पर लिख के दे तो उस पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और खासकर जब ये आदमी अपने आप को प्रेसिडेंट का बेटा बता रहा हो। लेकिन इन सभी कंफ्यूजन से दूर होकर सब ये जानते थे कि सद्दाम हुसैन जैसे आदमी से पंगा लेना बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, और क्योंकि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ बहुत ज्यादा था, काफी ज्यादा लोग उन्हें एक तानाशाह मानते थे और उनकी स्ट्रैटेजीज भी एकदम एक डिक्टेटर के जैसी थी। इसीलिए बैंक हेड ने कुछ सोचा ना समझा और जो कहा गया उसको मान लिया। बैंक हेड ने अपने स्टाफ को बुलाया और उन सबको बताया कि दरअसल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें जल्द ही ट्रांसफर का काम शुरू करना है
और पैसों को ले जाने की परमिशन उन्होंने दे दी। जाहिर सी बात है कि ऐसा काम कोई भी बैंक हेड करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन जरा सोचिए कि एक तानाशाह के बेटे के जरिए एक ऐसा ऑर्डर दिए जाने पर उस बैंक हेड के अलावा ये कोई चारा ही नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी कुछ समय बाद ही सभी स्टाफ मेंबर्स ने कुसेह को पैसा थमा दिया और उन्हें वहां से इन पैसों को लेकर जाने की परमिशन दे दी। कहते हैं कि सदाम हुसैन के बेटे ने इतने ज्यादा पैसे लूटे थे कि पहले तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इन पैसों को कैसे लेकर जाए। जाहिर सी बात है कि $1 बिलियन एक ऐसी रकम है जो कि आप थैले में तो लेके नहीं जा सकते ना, और उस समय कुसेह के पास एक ऐसा प्लान भी नहीं था कि वो इन सभी पैसों को खुलेआम लेके जाए। लेकिन जब कुसेह के दिमाग की बत्ती जली और उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जो कि उसके काफी काम का साबित हुआ। कुसेह ने सोचा कि इतनी ज्यादा बड़ी रकम को ले जाने के लिए उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, और वहां 5 या 6 ट्रकों को बुलाया गया और ये सारे लूटे हुए पैसों को ट्रक में भर भर कर लेकर जाना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दरअसल लूट की रकम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन्हें सिर्फ ट्रकों में भरने में ही करीब 5 घंटे लग गए, और इस काम में बैंक के लोग शामिल थे और साथ ही में कुसेह के भी कई आदमी शामिल थे। यानी कि इतनी बड़ी रकम को लोड करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन पैसों को कुसेह ने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास इन पैसों को रखने की जगह ही नहीं थी, और इसीलिए उन पैसों को छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की खबर दुनिया भर में तब फैली जब उस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला कर दिया और जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया, लेकिन जब वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि दरअसल ये सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन के बेटे ले गए। इसके बाद काफी ज्यादा छानबीन की गई, सद्दाम हुसैन के महल तक भी जांच की गई जहां से बहुत बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि जो नोट मिले वो लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे, और इन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था क्योंकि उसे इतनी बड़ी मात्रा में कैश रखने का बहुत बड़ा शौक था। हालांकि उदय को भी कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि अगर वाकई में अमेरिका उनके देश पर हमला कर देगा तो ये सारे पैसे उसके हाथ से तो निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी सेना पीछे नहीं हटी, उन्होंने और भी कई जगहों की छानबीन की, यहां तक कि इराक में अलग अलग सद्दाम हुसैन की प्रॉपर्टीज को भी खोजा गया जिनमें से कई करोड़ों मिले, लेकिन जो बैंक लूटा गया उसका एक भी बड़ा हिस्सा कहीं भी कभी भी नहीं मिला गया। कहा जाता है कि दरअसल सद्दाम के बेटे ने जब इन सभी रकम का अपने पिता को बताया तो सद्दाम हुसैन उन सभी पैसों को सीरिया भेज दिया। हालांकि अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और कोई नहीं जानता कि वाकई में वो पैसे कहां गए, लेकिन ये एक ऐसी बैंक डकैती साबित हुई जो कि सबको अंदर से हैरान कर गई। ये बैंक डकैती बाकी के बैंक डकैती से सबसे खास इसीलिए थी क्योंकि ये इकलौती ऐसी डकैती है जिसमें एक भी गोली नहीं चली और ना ही किसी के साथ मारपीट की गई। सब कुछ बहुत ही आराम से हुआ और बहुत ही आसानी से। कुछ ऐसा ही था सद्दाम हुसैन के बेटे का प्लान। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी ही कोई बैंक की रॉबरी हमें धूम फोन में देखने को मिल सकती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।